आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फिर हम लोग वेक्टर स्पेस देख रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था लीनियर सम और डायरेक्ट सम, डेफिनेशन देखी थी उसकी और एक थ्योरम प्रूफ किया था। तो आगे है एक और हमको देखना अब डेफिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस। तो ये कहता क्या है कि अगर वी आपका कोई एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ पे, और मान लीजिए कि ए वन ए टू अप टू ए एन जो है ये एक कुछ एस है, एक सबसेट है किसका, वी का। तो एक एलिमेंट ए, ले कोई एलिमेंट ए होगा वी का, उसको इस फॉर्म में ले सकते हैं कि ए इक्वल टू अल्फ़ा वन इंटू ए वन प्लस अल्फ़ा टू इंटू ए टू प्लस अप टू अल्फ़ा एन इंटू ए एन। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एंड अल्फ़ा एन आर फील्ड के एलिमेंट है, और जो ए वन ए टू ए एन थे ये आपके उस सबसेट के एलिमेंट थे वी के। तो इसी को कहते हैं इस कॉल्ड एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स ए वन ए टू अप टू ए एन। जैसे अगर एग्जाम्पल देख लो, ले लो कि तुम्हारे एस में जो एलिमेंट्स मान लो वन कामा जीरो हैं और जीरो कामा वन है, ठीक है, और ये तुम्हारे सबसेट आर क्यू का है, जाहिर सी बात है ये अपना आर स्क्वायर, तो ये अपना एक वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर। और मान लो कि लेट करो एक्स और वाई भी बिलोंग करता है आर स्क्वायर में, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो है ये तुम्हारा एक ए वन हो गया, ये तुम्हारा एक ए टू हो गया, और ये तुम्हारा ए हो गया, ठीक। तो हम लोग एक्स कामा वाई इसको ले सकते हैं एक्स इंटू वन कामा जीरो प्लस वाई इंटू जीरो कामा वन, ठीक है। ये देखो ये पूरा ए है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स है ना कॉमा जीरो, ये क्या बनेगा एक्स कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा वाई, और बाद में करेंगे तो ये एक्स कॉमा वाई बन जाएगा, है ना। तो ये बराबर आ गया। तो ये एक तरीके से ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये तुम्हारा हो गया अल्फ़ा वन, ये हो गया अल्फ़ा टू, ठीक, समझ रहे हो। मतलब इस तरीके से कुछ मिले तो उसको लिख सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन इसके बाद लीनियर स्पैन। तो लीनियर स्पैन में क्या होता है कि एक वेक्टर स्पेस होगा किसी एफ पे फिर से, तो फिर और एक क्या कहते हैं एक कोई सबसेट भी होगा हमारे पास जो वी का सबसेट होगा, यही लिमिट्स होंगे सेम। तो जितने तरीके की ये मतलब कि जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं उन सब का एक तरीके से पूरा सेट हो जाएगा। मतलब जैसे ए को आपने ऐसे लिखा तो इसी तरीके से मान लो कि बी को लिख सकते हो बीटा वन, एलिमेंट वही रहेगा ए वन, फिर प्लस बीटा टू ए टू प्लस अप टू बीटा एन ए एन, ठीक है, जिसमें ये बीटा वन मतलब सारे बीटाज बिलोंग करेंगे आपके फील्ड में। इसी तरीके से एक सी को लिख सकते हो कुछ गामा वन ए वन, ठीक है, ऐसे ऐसे गामा एन ए एन, जिसमें सारे गामाज होंगे वो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। तो ये ए बी सी इन सब के कलेक्शन को कहते हैं लीनियर स्पैन। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसके बाद ना देख लो। लीनियर स्पैन ठीक, ये क्या कहता है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड आपका एक सबसेट है एस वी का, ठीक है, सबसेट है वी का, देन द लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन, मतलब जितने भी कम्बिनेशन लीनियर बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन, कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, एंड डिनोटेड एज एल एस और एल एस, ठीक है, मेनली हर जगह यही नोटेशन इसका आएगा। तो मतलब डेट इज आपके एल एस में आएगा, ये पूरा एक सेट बन जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे अल्फ़ा वन ए वन प्लस अल्फ़ा टू ए टू प्लस अप टू अल्फ़ा एन ए एन, ठीक है, और ऑल अल्फाज बिलोंग करेंगे फील्ड में, और ये भी एक सबसेट हो जाएगा वी का, ठीक। मतलब लिखें अगर ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमको क्लेम ये करना है कि जो ये एल एस होगा ना ये भी एक सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस वी का ओवर एफ पे, ठीक है। वी हैव टू क्लेम दैट एल एस इज अ सबस्पेस
ऑफ वी एफ, ठीक है, ये हमको क्लेम करना है। अब कभी भी सब स्पेस दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, मतलब अगर डब्ल्यू आपका सब स्पेस है, ठीक है, वी का, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करने चाहिए डब्ल्यू में, और लेमडा और म्यू बिलोंग करने चाहिए फील्ड में, और ये इम्प्लाई ये करता है कि लेमडा ए प्लस म्यू बी करे तो ये बिलोंग कर जाए आपके डब्ल्यू में, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ए और बी मान के चलेंगे, एल एच के दो एलिमेंट ले लेंगे ए और बी, ठीक, और उसके बाद लेमडा और म्यू अपने फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे, और फिर शो कर देंगे कि वो हमारे एल एच में बिलोंग कर जाते हैं, मतलब लेमडा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी करके। तो फॉर लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट कैसे बनेंगे, एक एलिमेंट बनेगा अल्फ़ा वन ए वन प्लस अल्फ़ा टू ए टू प्लस अप टू अल्फ़ा वन ए एन, ठीक है, एक एलिमेंट ये रहेगा, और दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा जैसे बीटा वन ए वन प्लस बीटा टू ए टू प्लस अप टू बीटा एन ए एन, ठीक है, ये दो एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिए, और ये आपके बिलोंग करेंगे किसमें, लीनियर स्पैन में, एंड लैम्डा और म्यू बिलोंग करवा लेते हैं फील्ड में, ठीक, जहाँ पे एक चीज़ कर लेना, सारे अल्फा सारे बीटास आपके फील्ड के एलिमेंट हैं, इतना हो गया। तो आप क्या करेंगे ना, वो लैम्डा इंटू ए, मतलब ए यहाँ पर पूरा ये वाला एलिमेंट है अल्फ़ा वन ए वन प्लस अल्फ़ा टू ए टू प्लस अप टू अल्फ़ा एन ए एन, ठीक, फिर प्लस म्यू करेंगे बीटा वन ए वन प्लस बीटा टू ए टू प्लस कब तक, बीटा एन ए एन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा अल्फ़ा डॉट, मतलब लेमडा डॉट अल्फ़ा वन, और यहाँ पे अल्फ़ा वन क्योंकि लेमडा भी एक फील्ड का एलिमेंट है, अल्फ़ा वन भी फील्ड का एलिमेंट है, इसमें इस तरीके का डॉट आएगा, फिर प्लस लेमडा डॉट अल्फ़ा टू इंटू ए टू, फिर प्लस अप टू लेमडा डॉट अल्फ़ा एन ए एन, यहाँ पे फिर प्लस म्यू डॉट बी वन ए वन, फिर प्लस म्यू डॉट बी टू ए टू, है ना, अब तो अप टू म्यू डॉट बी एन करेंगे ए एन तक। तो अब एक काम करिए, इधर से ए वन और इधर से ए वन कॉमन लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से फील्ड का एलिमेंट बन जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से फील्ड का एलिमेंट बन जाएगा, तो दोनों में जब ऐड करेंगे तो फील्ड वाला ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला प्लस लगाना पड़ेगा। तो देखो ये आगे कैसे बनेगा, विच इम्प्लाइज लैम्डा डॉट अल्फ़ा वन, ठीक, प्लस म्यू डॉट बीटा वन, ठीक है, ये ए वन के साथ हो गया, फिर प्लस लैम्डा डॉट अल्फ़ा टू प्लस म्यू डॉट बीटा टू, फिर ए टू हो जाएगा, फिर प्लस लैम्डा डॉट अल्फ़ा थ्री हो जाएगा प्लस म्यू डॉट बीटा थ्री ए टू, फिर प्लस अप टू लैम्डा डॉट अल्फ़ा एन, फिर प्लस म्यू डॉट बीटा एन इंटू एन। अब ये जो एक पूरा ए सेट बनेगा, क्योंकि ये एक फील्ड का एलिमेंट था, ये एक फील्ड का एलिमेंट था, और दोनों फील्ड के एलिमेंट जोड़ेंगे तो आपको फील्ड में ही जाएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा। तो इसको नाम देते हैं कुछ गामा, मतलब ऐसे कर दो गामा वन ए वन प्लस गामा टू ए टू प्लस अप टू गामा एन ए एन, ठीक है, और ये बिलोंग करेगा आपके एल एस में, क्योंकि लीनियर स्पैन में ऐसे तो एलिमेंट होते हैं, मतलब ए वन ए टू ए एन जो है ये आपका उस सेट के एलिमेंट होना चाहिए, और आगे कोई भी एक फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो जिसमें अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एंड अप टू अल्फ़ा एन किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, वेयर गामा आई इक्वल टू लैम्डा डॉट अल्फ़ा आई प्लस म्यू डॉट बीटा आई, ठीक है, ये बिलोंग करेगा फील्ड में, और आई आपके एलिमेंट होंगे वन टू अप टू एन तक, ठीक। तो देयरफॉर जो लीनियर स्पैन है इज़ अ सब स्पेस, ये सब स्पेस ऑफ वी, ठीक, इतना। अब एक नोट है कि ध्यान रखना, नोट, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड एस आपका नॉन एम्प्टी है, ठीक है, ये सबसेट है वी का, देन एल एस इज दी स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस,
तो अब आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। अब आता है सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहती है कि एक वी है वेक्टर स्पेस किसी फील्ड एफ पे, और रेस अपना नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए वी का। तो जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जिसमें वी कंटेन करेगा पूरे एस को, मतलब कि जो पूरे मतलब एस के जो एलिमेंट थे ए वन ए टू ए थ्री जो भी एलिमेंट थे वो भी उसमें आ जाएंगे उस सब स्पेस में, उसी को कहते हैं सब स्पेस जनरेटेड बाई एस। मतलब एग्जाम्पल देखो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। फिलहाल डेफिनेशन देख लो। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड एस नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए वी। देन द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस इज कॉल्ड अ सब स्पेस जनरेटेड बाई एस एंड डिनोटेड बाई ये ब्रैकेट में एस या फिर इस तरीके से एस, ठीक। और एक चीज़ और रिमार्क इसी में इफ एस इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ देन एल एस इक्वल टू एस, मतलब एस इसको जनरेट कर रहा है इस तरीके से। तो देख लो अभी मतलब क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें मैं समझा दूंगी क्या होता है कि स्मॉलेस्ट किसे कंटेन होता है, तब ज़्यादा आसानी पड़ेगी। एक इसके बाद एक और डेफिनेशन है, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आता है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस if and only if there exists a finite subset S of V। मतलब देखो एक कोई सबसेट होगा आपका S, ठीक है, जो सब स्पेस जनरेटेड बाई इससे पहले जो देखा था, मतलब एक कोई एक S होगा आपको वो पूरे V को जनरेट कर देगा। मतलब देखो इसके पहले वाले का बता रही हूँ, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई ए सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। मतलब अगर S में एलिमेंट है कुछ a1 a2 अप टू an कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो V के जो एलिमेंट्स होंगे, V के जितने भी एलिमेंट होंगे A B C मतलब C, फिर इसमें A1 A2 भी, तो V के ही एलिमेंट होंगे। मतलब ये सब कुछ जनरेट हो जाए S से, ठीक है, मतलब अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा 2 A2 प्लस अप टू, इस तरीके से सारे इस तरीके के X ले लो, चलो X एक कोई एलिमेंट है V का, ये सब कुछ जनरेट हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि S जनरेट करता है आपके V को। तो अब फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सबसेट जनरेट कर दें वी को। मतलब हो सकता है कि कोई एक ऐसा सब कोई ऐसा सबसेट हो वी का जो उसको पूरा जनरेट नहीं कर रहा हो, बट लेकिन अगर कम से कम एक ऐसा भी सबसेट मिल जाए आपको वी का जो कि पूरा उस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दें, सच डैट वी जनरेटेड बाई एस और वी इक्वल टू एल एस। जैसे अब एक एग्जाम्पल आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है वी फोर इक्वल टू ई ए बी सी, ठीक है, इसमें ऑपरेशन वो होता था इतना, और ये बनाता था जेड टू पे 0.1, ये पहले ही देख चुके हैं हम लोग। जेड फोर ओवर जेड टू अपना एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक, फील्ड का काम कर रहा है जेड मॉडुलो टू और अपना वेक्टर स्पेस का काम कर रहा है वी फोर। तो लेट कर लो, लेट एस वन इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है, ये इसका सबसेट है
वी का एक सबसेट है कि नहीं है, ये है। हमको अब फाइंड करना है कि एस वन ये क्या जनरेट करेगा, ठीक है। एस वन इस तरीके का, इसका मतलब हम एल ऑफ एस निकालेंगे हम, क्योंकि इसके डेफिनेशन में देखा था कि यहीं पे ऊपर, और वी इक्वल टू एल ऑफ एस, ठीक। ये रिमार्क में लिखा था कि अगर ए वन ए टू ए थ्री सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो एल एस बराबर होता है एस जनरेट के, इसके एस वन मतलब ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब आपके कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, जेड जेड टू में, मतलब एक बार इधर अल्फा ले लो, इधर बीटा ले लो, ठीक। एक बार जीरो आ सकता है, जीरो बार इधर भी जीरो बार आ सकता है। एक बार ले लो जीरो बार, इधर ले लो, इधर वन बार ले लो, फिर इधर वन बार ले लो, इधर जीरो बार ले लो, फिर इधर वन बार एंड वन बार ले लो। कुल चार तरह के सेट इस तरीके के बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। और हमारे इसके एलिमेंट है ई ए बी सी एलिमेंट है, मतलब ये ऐसे बनेगा ए बार डॉट ए ऑपरेशन, ए बार डॉट बी, ठीक। ये क्या हो गया, एक तरीके से ये नहीं हो गया, मतलब अल्फ़ा वन ए वन प्लस अल्फ़ा टू ए टू, इधर अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू आपका जीरो बार काम कर रहा है, ठीक। अल्फ़ा वन ए टू, अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू जीरो बार के काम कर रहा है, और ए वन यहाँ पे आपका ए है और ए टू आपका बी है, जो कि वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये वी फोर के एलिमेंट हैं। अगला वाला क्या बनेगा, कुछ बनेगा अल्फ़ा टू ए वन, फिर प्लस अल्फ़ा इसको ले लो, ऐसे नहीं, बीटा वन ए वन ले लो प्लस बीटा टू ए टू ले लो, ठीक। इस प्रकार तो अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट वाला बनेगा जीरो बार डॉट ए, ये तो सेम ही रहना है, ए वन ए टू नहीं बदलता है, यहाँ पे ए वन ए टू ए और बी है अपने पास। ऑपरेशन नेक्स्ट आ जाएगा, जीरो बार ले लिया तो वन बार डॉट, इधर पे क्या बन जाएगा बी। अगला करेंगे तो वन बार डॉट ए ऑपरेशन जीरो बार डॉट बी, और नेक्स्ट करेंगे तो वन बार डॉट ए ऑपरेशन वन बार डॉट बी, ठीक है। कुल चार एलिमेंट इसमें से बन रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हमने इसे पहले वी फोर ओवर जेड मॉड्यूल टू वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था, तो यहाँ पे यह था कि जीरो डॉट एक्स करें तो आपको ये मिलता था, वन बार डॉट एक्स करें तो एक्स मिलता था। तो यहाँ पे एल ऑफ एस हमने, मतलब जो कि एस वन है, ये क्या बना था, जीरो बार डॉट ए ऑपरेशन जीरो बार डॉट बी, फिर कॉमा जीरो बार डॉट ए ऑपरेशन वन बार डॉट बी, फिर इधर वन बार डॉट ए ऑपरेशन इधर जीरो बार डॉट बी, और लास्ट वाला बना था वन बार डॉट ए ऑपरेशन वन बार डॉट बी। तो देखो जीरो बार डॉट ए करेंगे, मतलब जीरो बार डॉट ए करने पे आपको ई मिलेगा, तो यहाँ ई लिखो, फिर ऑपरेशन जीरो बार डॉट करेंगे फिर भी ई मिलेगा, जीरो बार डॉट ए करेंगे तो ई ऑपरेशन वन बार डॉट बी करेंगे तो फिर आपको एक्स मतलब बी ही मिल जाएगा, फिर यहाँ पे वन बार डॉट ए करेंगे तो ए मिलेगा ऑपरेशन, जीरो बार डॉट बी करेंगे तो ई मिलेगा, और लास्ट वाले में करेंगे तो ई मिलेगा ए ऑपरेशन बी, ठीक है। तो यहाँ से ये ई ऑपरेशन ही ई होता है, ई ऑपरेशन बी करेंगे तो बी मिलेगा, ए ऑपरेशन ही करेंगे तो ए मिलेगा, ए ऑपरेशन बी करेंगे तो सी मिलेगा, ठीक। तो देखो ये पूरा का पूरा वी नहीं बन गया अपना, वी फोर ही तो बन गया, ई ए बी सी अच्छे से लिख दें अगर, ई ए बी सी यही एलिमेंट्स वी फोर में थे, मतलब इस पूरे एस ने इसको जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, एस वन आपका जनरेट करता है वी फोर में, ठीक। तो एक तरीके से ये फाइनाइटली जनरेटेड भी हो गया, और एक किसी एक सेट से कैसे जनरेट करते हैं वो भी हमको पता चल गया। फाइनाइटली जनरेटेड क्यों हो गया, क्योंकि एस में जो एलिमेंट्स थे वो आपके थे फाइनाइट, और इसने पूरा आपको जनरेट कर दिया वी फोर को, तो इसलिए हो गया फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से और भी बहुत एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे अगर इसको देखना चाहें एस टू ले लें अगर बी कॉमा सी, ठीक है, इसको ट्राई करना, तो ये भी हो जाएगा। फिर से पहले ले लेंगे, पहले अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे, मतलब अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू की वैल्यू ले लेंगे, जैसे जीरो बार ले लेंगे एक बार, फिर जीरो बार वन बार ले लेंगे, वन बार जीरो बार ले लेंगे, वन बार और वन बार ले लेंगे। और यहाँ पे अपना याद करना, जैसे अल्फ़ा वन ए वन प्लस अल्फ़ा टू ए टू करते थे, यहाँ पे ए वन है बी और ए टू है अपना सी, और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू चेंज होते रह जाएंगे, क्योंकि एल एस में पूरा कम्बिनेशन होता है ना, लीनियर कम्बिनेशन जितने भी बनते हैं उन सब का कलेक्शन होता है, ठीक। इस तरीके से, और इसमें ये भी आता है कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। अब देखो इसमें पूरे एस के एलिमेंट भी आए हैं, एस में हमने लिया था ए और बी, ठीक
ठीक, इसमें और भी आए हैं, वो खुद भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, जैसे जो डेफिनेशन में लिखी हुई थी, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एन ओवर एफ इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक, तो एफ ऑफ एन में कैसे एलिमेंट होंगे, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अप टू अल्फ़ा एन ब्रैकेट में, जिसमें सारे अल्फाज बिलोंग करेंगे फील्ड में, ये पहले देखा था। और लेट एस को सपोज कर लो, एस इक्वल टू ई वन ले लो, ई वन की वैल्यू होती है जैसे 1, 0 एफ अप टू 0, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट होगा इसलिए 0f 0 एफ, और ये पूरा करने के बाद एक वेक्टर का एलिमेंट बन जाएगा। अगला ले लो ई टू ले लो, इसमें हो जाएगा 0 0, सेकेंड नंबर पे वन रहेगा, फिर 0। इस तरीके से ई एन का हो जाएगा 0 0 0, फिर लास्ट पे हो जाएगा आपका 1 एन टाइम पे, और ये एक पूरा सबसेट होगा एफ पावर एन की। तो हमको क्लेम ये करना है कि एफ ओफ एन जो होगा वो पूरा जनरेट हो जाएगा किससे, एस से, लॉर एफ ओफ एन इक्वल टू लीनियर स्पैन एस। ठीक, तो फिर लेट कर लो अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अप टू अल्फ़ा एन, ये बिलोंग करता है एफ फील्ड में अपने एफ पावर एन पे। तो अगर ये जनरेट हो जाए इससे, तो इसका मतलब कि ये फाइनाइटली जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ई एन टर्म्स, मतलब फाइनाइट टर्म्स हैं, तो ये इधर से इम्प्लाई करेगा अल्फ़ा वन कमा अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा वन इंटू 1, 0 एफ टू 0 एफ। ठीक है, फिर प्लस अल्फ़ा टू ले लो, फिर से यही एलिमेंट रहेगा एफ, मतलब सेकेंड वाला एलिमेंट ई टू ओ एफ 1 ओ, मतलब 0 है, सॉरी ओ एफ नहीं 0 0, फील्ड का आइडेंटिटी इसका मतलब। और फिर इसके बाद अप टू अल्फ़ा एन कर देंगे, यहाँ पे करेंगे 0f 0f अप टू 1 लास्ट में एंड टाइम पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा 1 बाकी सब 0, ये वाला बनेगा इधर का 0, इधर वाला अल्फ़ा 2 फिर 0f, इस तरीके से आखिरी वाला बनेगा 0f 0f अप टू इधर पे अल्फ़ा एन, और जब इसको ऐड करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा, तो बनेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा एन। तो देखिए, इससे आपने जनरेट कर दिया इसको, इसका मतलब एफ ऑफ एन इज जनरेटेड बाई एस, है ना, तो देयर फॉर एफ ऑफ एन इज जनरेटेड बाई एस। एक और एग्जांपल, अगर आर क्यूब ओवर आर, ठीक, ले लो कि एस में आपके पास है 1, 0, 0, ठीक, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है, और ये सबसेट हो जाएगा आर क्यूब का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, 3 दिन का लिमिट है। और सपोज कर लो एक्स वाई जेड एक आर क्यूब का एलिमेंट है, और दिखाना है कि ये इसे जनरेट हो जाए, ठीक, और अलग से एक्स वाई जेड आपके किसके एलिमेंट होंगे, आर के, जो कि एक फील्ड का एलिमेंट, जो कि एक फील्ड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देर फोर एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1, 0, 0 प्लस वाई इंटू 0, 1, 0 फिर प्लस जेड इंटू 0, 0, 1, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स 0, 0 प्लस 0, y 0 प्लस 0, 0, z, ठीक है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, यही तो मिला। तो इसका मतलब आर क्यूब जो है इसे जनरेट होता है इससे, इस टच से, ठीक। तो ये पूरा था, इसके बाद अगला टॉपिक आता है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।